वेदांत समूह द्वारा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। वेदांत समूह ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण निवासियों तक कैंसर का उपचार उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। ये उद्गार वेदांत समूह एल्युमिनियम व्यवसाय प्रचालन के CEO श्री प्रमोद सूरी ने कोरबा प्रेस क्लब में बालको के सौजन्य से नवीनीकृत अतिथि गृह का उद्घाटन कर व्यक्त किए। इस मौके पर बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गुंजन गुप्ता और कंपनी संवाद एवं सामुदायिक विकास के महाप्रबंधक श्री जितेंद्र धीर मौजूद थे। कोरबा प्रेस क्लब के अतिथि गृह का नवीनीकरण बालको प्रबंधन के सौजन्य से किया गया है, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वेदांत समूह एल्युमिनियम व्यवसाय प्रचालन के CEO श्री प्रमोद सूरी थे। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गुंजन गुप्ता और कंपनी संवाद एवं सामुदायिक विकास विभाग के महाप्रबंधक श्री जितेंद्र धीर विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। कोरबा प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री नौशाद खान सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में श्री सूरी और श्री गुप्ता ने अतिथि गृह के विभिन्न कमरों का उद्घाटन कर सुविधाओं का जायजा लिया। अतिथि गृह की सुविधाएं बालको प्रबंधन की ओर से मुहैया कराई गई है। मौके पर श्री सूरी, श्री गुप्ता और श्री धीर ने कोरबा प्रेस क्लब के सदस्यों से बातचीत की। श्री सूरी ने कोरबा प्रेस क्लब के सदस्यों को वेदांत समूह द्वारा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की विस्तार से जानकारी दी। बाउंड्री वॉल वहाँ ऑलरेडी बन गई है और हम लोग उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अगले 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग उसमें एक और चीज करने जा रहे हैं कि वो 3 स्तर पे रहेंगे। रायपुर का जो स्तर है वो टर्शियरी सेंटर कहा जाता है और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो गांव-गांव में हमारी जो मेडिकल वैन है वो वैन पूरे गांव में जाएगी। कोरबा में, कवर्धा में ऐसी 6 वैन हम छत्तीसगढ़ में लगा रहे हैं। वो वैन जो है वो प्राइमरी डिटेक्शन करेगी, गांव में जाके, जंगल में जाके जहां आदिवासी लोग या गरीब लोग हैं उनको वहाँ डॉक्टर और नर्सेज जाके वहाँ पर टेस्ट करें और सैंपल वगैरह वहाँ पर कलेक्ट करें, जो कि कोरबा में आके हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उसके एनालिसिस होगा। फिर वही केस जो कि सीरियस केसेस हैं जिनको कैंसर है उनको आगे रेफर किया जाए, अदरवाइज क्या होता है कि ये सब लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। और दूसरा ये होता है कि कैंसर जो है वो जल्दी डिटेक्ट नहीं होता। और हमने जब पिछले महीने CM साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ आप 2-3 चीज़ें और डालिए, जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनीमिया बहुत, मलेरिया बहुत, तो ये 2 डिजीज़ जो है इसकी भी टेस्टिंग जो है साथ में होनी चाहिए। तो पहले चरण में 2 वैन चालू होंगी, एक कोरबा में और एक कवर्धा में। दोनों वैन कल ही पहुंची हैं हमारे बालको प्लांट में। डॉक्टर्स की भर्ती भी हो गई है, अब हम डॉक्टर्स को बॉम्बे भेज रहे हैं टाटा इंस्टीट्यूट में कैंसर में 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए। तो उम्मीद है कि वो लोग जुलाई पहले हफ्ते में वापस आ जाएंगे। तो जुलाई में हम लोग CM साहब से टाइम लेके उन दोनों मेडिकल वैन का उद्घाटन करने जा रहे हैं और एक वैन कोरबा में और एक कवर्धा में चलेंगी और सारे जो हैं गांव-गांव में जाके लोगों में खास तौर से प्रिवेंशन के ऊपर हम जोर देंगे। और दूसरी चीज़ है जो टेस्टिंग है वो भी वहीं की जाएगी डायग्नोस्टिक। तो ये जो है जुलाई के पहले हफ्ते में ये वैन जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य को समर्पित करके इसको स्टार्ट करते हैं। सर कितने डॉक्टर्स की टीम को भेजा है? इसमें ऐसा है कि हर एक वैन में एक लेडी डॉक्टर, एक दूसरे जेंट्स डॉक्टर, एक नर्स और एक टेक्नीशियन, तो कुल 5 का स्टाफ रहेगा प्लस ड्राइवर है। तो वैन आप देखेंगे बालको में दोनों वैन रखी हुई हैं, जब भी हम अगले महीने उद्घाटन करेंगे ये वैन पूरी तरह इक्विप्ड है। इसके अंदर सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, पूरा उसका टेस्ट वगैरह हो सकता है, सैंपल कलेक्शन हो सकती है पूरी जो है। उसमें सेपरेट पोर्शन बने हैं महिलाओं का अलग से, जेंट्स का अलग से टेस्ट करने के लिए, क्योंकि कैंसर कई तरह के कैंसर, तो हर एक तरह कैंसर का जो प्राइमरी डिटेक्शन है वो इस वैन में जगह जगह हो। ये एक्सपेरिमेंट आज से 5 साल पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, कोल्हापुर सांगली। तो जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने एडवाइस किया कि आप छत्तीसगढ़ में ये शुरू करें। तो फिर CM साहब से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी इनपुट्स दिए, तो ये वैन जो है ये अगले महीने से स्टार्ट होगी। तो 2 वैन पहले छत्तीसगढ़ में कवर्धा और कोरबा में और बाकी वैन जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट में चालू करेंगे। तो 6 वैन जो हैं वो पूरे प्रांत को कवर करेंगे और ये हफ्ते में कह लीजिए 6-7 दिन जो मूवमेंट पर रहेंगे उसका प्रोग्राम रहेगा, किस दिन कौन से गांव में आना है,
वहाँ के लोग, वहाँ के जो सरपंच पंचायत जो है सब तैयार है। तो इसको हम लोग पहला स्टेज जो है अगले महीने शुरू कर रहे हैं। दूसरे फेज में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम एक एक कैंसर डिटेक्शन का जो है सेकेंडरी सेंटर उसको कर रहे हैं। हमने कलेक्टर साहब से बात की है, कवर्धा के कलेक्टर से बात की है, तो सेकेंडरी सेंटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा और उसका जो बड़ा केस है, सीरियस केस है, उसको रायपुर में भेजा जाएगा। और रायपुर में हमारी पूरी ये है कि अगले 18 महीने के अंदर अंदर हॉस्पिटल जो है वो रेडी होगा। श्री सूरी ने कोरबा प्रेस क्लब के कार्यों की सराहना की। पिछले 4 साल से मैं जो कोरबा में हूँ बालको में, और ख़ास तौर से जो कोरबा का प्रेस क्लब के जितने भी सभी साथी लोग हैं इनके साथ बहुत अच्छा संबंध है। बीच बीच में कभी थोड़ा सा, जैसा आपने बताया, कहीं थोड़ी सी किरकिरी आई, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमने बैठ के उसको तुरंत रिजॉल्व कर लिया। और वो जो हमारी दोस्ती या जो आपस में तालमेल है वो दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। और ये आज हमारा यहाँ पे आना इस बात का भी प्रतीक है कि हम लोगों का संबंध जो है वो कितने मजबूत हैं। मैं आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा नया कॉन्फ्रेंस रूम बना रहे हैं, ऊपर से गेस्ट हाउस बना रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोगों को भी इसमें भागीदारी करने का मौका मिला। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को ये सम्मान दिया कि यहाँ आज का उद्घाटन जो हमारे हाथों से करवाए। श्री गुप्ता ने एल्युमिनियम खपत की स्थिति से पत्रकारों को अवगत कराया। और इसका जो है, जो स्टील है या लोहा है, उससे वैसे कोई डायरेक्टली लिंक तो नहीं है, लेकिन जैसे कंजम्पशन स्टील की बढ़ रही है या लोहे की बढ़ रही है, नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि एल्युमिनियम की जो कंजम्पशन है वो अपनी जगह है और जो स्टील की कंजम्पशन है वो अपनी जगह है। आमतौर पर ये दोनों सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टील जो है वो फिर भी एल्युमिनियम से काफ़ी सस्ता है, तो इनकी सब्स्टिट्यूशन आमतौर पर है नहीं। श्री गुप्ता ने कहा कि कोरबा प्रेस क्लब सकारात्मक और सक्षम तरीके से अपना काम कर रहा है। कोरबा में मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो आपका ये प्रेस का जो एक उद्देश्य है उसको बड़ी भांति निभा रहे हैं, ये देखते और जानते हुए बहुत खुशी भी होती है और मन में जो है एक सांत्वना की भावना भी होती है कि ऐसा नहीं है कि हमारी प्रेस, हमारे जर्नलिस्ट भाई जो है जागरूक नहीं है या अपना काम बड़ी भांति बखूबी नहीं कर रहे हैं, तो ये देखते हुए बहुत खुशी होती है। खासकर इस इलाके की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस इलाके के जो मुद्दे हैं, वो आप लोग काफ़ी सकारात्मक तरीके से, सशक्त तरीके से पेश करते हैं, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते हैं, और जहाँ जहाँ पर कोई इश्यूज़ हैं पब्लिक के उनको जो है उठा के बाहर लाते हैं। तो ऑन द होल बहुत ही सकारात्मक तरीके से, एक बहुत ही जागरूक तरीके से जो आप लोग काम कर रहे हैं उसको देखते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। इस मौके पर श्री धीर ने कहा, और प्रेस से जुड़े हुए आप सब लोगों के साथ एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह का हमारा तालमेल चल रहा है, जिस तरह का पॉजिटिव एटमॉस्फेयर और अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, जो भी प्रोग्रेस हम कर रहे हैं उसको आपके द्वारा पब्लिक को पता लगता है और आपके सुझाव हम लोग लेते हैं और उसको करते हैं, वो ऐसा ही बरकरार रहे और आगे और अच्छा चले, यही आपसे। कार्यक्रम में कोरबा प्रेस क्लब के सदस्यों ने बालको अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कोरबा प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने बालको की ओर से मिल रहे सहयोग की सराहना की। बालको का जो सहयोग, जो योगदान उनको मिला है, हम उसके लिए बालको के आभारी हैं। हमारा जो सर्वसुविधायुक्त कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहा है, जिसके लिए हम एक घमंड कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में वैसा कॉन्फ्रेंस हॉल न तो किसी प्रेस क्लब के पास है और ना ही किसी औद्योगिक घराने के पास। उसमें भी जो AC लगे हैं वो भी बालको के सहयोग से हमें प्राप्त हुए हैं, के लिए भी मैं बालको परिवार को, बालको की दोनों मुखियाओं को, प्रेस क्लब परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ।